बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9th यूनिट नंबर 2 कंटिन्यू है। लॉगरिथम एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करेंगे हम इस वीडियो में आज। सो एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। सो हमारे पास उसका पार्ट फर्स्ट है, 7 की पावर 3 इक्वल्स टू 343, या इसको हम इस तरह पढ़ सकते हैं, 7 की पावर क्यूब इक्वल्स टू 343। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, इसे हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो हमारे पास बुक के पेज नंबर 29 पे हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला है जो कि मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको, उससे फिर हमें आसानी रहेगी अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। मैं यहाँ लिख रही हूँ, ए की पावर एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक है, जो कि अभी हमारे पास ये जो फॉर्म है ना, ये जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है वो इस फॉर्म में गिवन है जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। इसे हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लॉगरिथम फॉर्म कैसी होती है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, वो होती है लॉग ए उसके बाद वाई इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो ये लॉग ए और ये वाई इक्वल्स टू एक्स, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना, तो हमें इसे मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें बस ऐसे ही छोड़ देना है। बस हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, हमें बस इस फॉर्म में लेकर आके छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, 7 क्यूब इक्वल्स टू 343। अब हम देखें तो हमारी ये जो 7 है वो ए हो गई, यानी कि बेस हो गई हमारी, ठीक है ना, और इसका जो एक्सपोनेंट है वो एक्स हो गया, यानी कि 3 हो गया, ठीक है। आगे इक्वल्स टू और वाई, हमारी ये वैल्यू होगी 343 हमारी वाई की वैल्यू हो गई। अब हमारे पास है लॉग ए वाई इक्वल्स टू एक्स, तो ये जो लॉग है ना इसको एज इट इज़ उतार देना है, ठीक है। आप चाहें तो यहीं से लिख सकते हैं या तो नीचे लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये लॉग हमने ऐसे ही उतार दिया, ठीक है, लॉग ऐसे ही लिख देना है क्योंकि लॉग आगे कुछ नहीं है ना, तो लॉग हमने लॉगरिथम फॉर्म में कर रहे हैं तो हमने बताना है लॉगरिथम फॉर्म ऐसी है, ठीक है। उसकी जो ए है, यानी कि ये जो हमारी ए यानी कि बेस हमारी क्या है, 7 है जो ए है, ठीक है ना, ए हमारी बेस हो गई और एक्स हमारा एक्सपोनेंट हो गया। तो अगर हम नीचे देखें अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो 7 हमारी बेस है और 3 हमारा एक्सपोनेंट है, तो 7 हमारी बेस है जो कि ए यहाँ पे है, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, ठीक है, छोटा सा 7 इस तरह लिख दिया जितना ए लिखा था, ठीक है। उसके बाद इक्वल्स टू नहीं है, उसके बाद वाई है, वाई हमारा क्या है 343, y हमारा है 343, तो y हमारा क्या है 343, तो हमारा यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 343, ठीक है, 343 आ गई। उसके बाद है इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन, उसके बाद x की वैल्यू है, x की वैल्यू हमने यहाँ पे देखें लिखी थी, ये हमारा देखें x क्या है, एक्सपोनेंट है ना यहाँ पे, तो हमारी नीचे x भी क्या था, यह हमारा नीचे एक्सपोनेंट क्या था, 3 था ना, 7 बेस थी और 3 एक्सपोनेंट था, तो एक्स हमारी क्या वैल्यू हो गई, 3 हो गई, तो यहाँ हमने लिख दिया 3, ठीक है। तो इस तरह से हमारी वैल्यू, हमारा क्वेश्चन जो था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन था, हमने इस तरह से लॉगरिथम फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। लॉग की पावर 7 इक्वल्स टू 343 इक्वल्स टू 3, सॉरी यहाँ पे इक्वल्स नहीं है, 343 इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो इस तरह से हमें लॉगरिथम फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना था। अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल ऐसे सॉल्व होगा, उसके आगे के सारे पार्ट ऐसे सॉल्व होंगे, तो हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसका, 3 की पावर है हमारे पास -4 इक्वल्स टू 1/81, तो एक बार क्वेश्चन उतार लेना है, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जो कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फार्मूला है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है हमारा क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो वह इस तरह करके इक्वल्स टू का साइन लगा के देन यहाँ पे लॉग की लॉग ए वाई इक्वल्स टू एक्स, यानी कि अब लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे इस तरह से करना है। तो जैसे कि यहाँ पे पता है ए हमें पता चल गया है क्या है, 3 है, तो यहाँ पे लॉग लिख के ए हमें पता है क्या है, 3 है, तो हमने 3 लिख दिया, ठीक है, छोटा सा 3 हमने इस तरह से लिख दिया। आगे वाई है, वाई भी हमें पता है 1/8 है, तो देख सकते हैं वाई के नीचे देखें इक्वल्स की बात है 1/y, तो यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन में यहाँ भी इक्वल्स की बात 1/8 है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, वाई हो गया, तो यहाँ हमने लिख दिया 1/81, ठीक है,
आगे हमारे पास इक्वल का साइन है लॉगरिथमिक फॉर्म में, उसके बाद एक्स है और एक्स हमें पता है क्या है हमारे पास, देखिए एक्स हमारे पास है माइनस फोर, तो यहाँ पे लिख देना है माइनस फोर। नेगेटिव वैल्यू है तो हम इसको क्या कहते हैं ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है नेगेटिव वैल्यू है तो ब्रैकेट में लिखी जाएगी। अब इसकी नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, यहाँ तक तो मैंने सॉल्व करवा दिया, उसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारा 10^-3 है इक्वल्स टू 0.001, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, तो इसको हमने इस तरह का जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फार्मूला है वो लिख के आगे इक्वल का साइन लगा के लॉगरिथमिक फॉर्म का फार्मूला लिखते रहे, उसके बाद हमने कन्वर्ट कर देना है। तो एक बार क्वेश्चन लिखेंगे जो कि हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, तो ये हमने लिखा है 10^-3 इक्वल्स टू 0.001, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है जैसे कि ऊपर हमने फार्मूला लिखा है बिल्कुल एग्जैक्ट उसी फॉर्म में है। अब आगे हमने लॉगरिथमिक फॉर्म का फार्मूला लिखा हुआ है, अब हमें उसमें कन्वर्ट करना है, तो लॉग ऐसे लिख दिया जाएगा, ए हमारे हमें पता है हमारे पास ए देखें बेस है और एक्स एक्सपोनेंट है, तो नीचे हमारे पास 10 बेस है और माइनस 3 एक्सपोनेंट है, तो 10 हमारा क्या हो गया ए हो गया, तो यानी कि ए की पावर यहाँ पे लॉगरिथम लॉग के साथ ए है तो लॉग के साथ यहाँ पे 10 लग जाएगा क्योंकि ए यहाँ पे 10 है, ठीक है। उसके बाद वाई हमें पता है क्या है, इक्वल के बाद वाई है, यहाँ पे इक्वल के बाद हमारे पास 0.001 है, तो हमारे यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0.001, ठीक है। उसके बाद इक्वल का साइन है, देन अब एक्स बताना है हमने, एक्स क्या है हमारे पास, तो एक्स हमने यहाँ पे देखना है, तो ये माइनस 3 है तो वहाँ पे एक्सपोनेंट है एक्स और यहाँ नीचे माइनस 3 एक्सपोनेंट, तो हमारा एक्स क्या हो गया माइनस 3, ठीक है ठीक है। तो हमने इस तरह से लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको भी कन्वर्ट कर दिया। अब इसको आगे वाला इसका पार्ट सॉल्व करते हैं जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है या हमारे पास रूट में पावर है 3 और अंदर इसके एम स्क्वायर है इक्वल्स टू 1 है, तो हम देख लें कि हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थोड़ा सा नहीं है क्योंकि ये हमारे पास देखें रूट में वैल्यू मौजूद है जो कि है 3 और अंदर एम के ऊपर भी वैल्यू है जो कि है 2, तो हमारे पास दो एक्सपोनेंट आ गए, दो एक्सपोनेंट आ गए। जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है वो तो कुछ इस तरह से होती है जैसे कि मैंने यहाँ लिखी है जो कि आपको भी लिखनी होगी, देन आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने पहले ही लिख दी है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुछ इस तरह से होती है कि हमारे पास एक बेस होता है और उसकी एक एक्सपोनेंट होती है, फिर आगे इक्वल्स टू वाई की वैल्यू होती है। हमारे पास इक्वल्स टू वाई की वैल्यू तो है लेकिन हमारे पास बेस भी एक है लेकिन हमारे पास एक्सपोनेंट 2 आ रहे हैं, तो इसको पहले हम एक में ले आते हैं। तो हमें पता है कि ये जो इस तरह से रूट में वैल्यू आती है तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये नहीं करना हमने कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं करना हमने, यहाँ पे हम कोई कैंसिलेशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ हमें पता है ये जो रूट वाली वैल्यू होती है इसको किस तरह से लिखना होता है, तो हम वहाँ वैसे लिख देते हैं। तो हमारे पास बेस क्या है हमारी, यानी कि ए हमारी बेस है, तो हमारा ए हमारी बेस क्या है एम है, तो हमने एम लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास एक बार वैसे क्वेश्चन उतार लेते हैं, ठीक है एक बार मैंने क्वेश्चन उतार लिया। अब आगे इसको मैं इसको ज़रा और मज़ीद सॉल्व करके आपको बताऊँ, फिर देन इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लेकर आएंगे। तो ये हमारे पास एम है, ठीक है बेस हमने ऐसी ले ली। अब हमारे पास एक्सपोनेंट 2 है तो इसको पता है हम रूट हट जाएगा, तो कैसे लिखते हैं रूट को हटाकर 2/3, ठीक है 2/3। अब हम इसको 2/3 लिखा है तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं और इसको हम रूट में हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है बात एक ही होती है। आगे इक्वल्स टू 1 वैसे ही आ गया, ठीक है ये 2/3 का मतलब ही ये हुआ कि ये रूट वाली वैल्यू है, ठीक है दो वैल्यूज है तो इसका मतलब क्या है, ये रूट में है और रूट में इसकी एक वैल्यू यहाँ है और एक वैल्यू इसके ऊपर है। हमने अपने पिछले चैप्टर में भी किया होगा इस तरह के क्वेश्चंस, जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 था उसका यूनिट नंबर 1 था ना, उसमें भी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे, अगर आपको याद होगा मैंने वीडियोज़ वगैरह उसके ऊपर बना के डाली हुई है। तो इस तरह से ना करना हो गया हमारा कि हमारे पास ये रूट में इस तरह से वैल्यू है, हमने कोई कैंसिलेशन नहीं की कि हमने 2 से रूट का यानी कि स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि हमने एक वैल्यू बस बना दी, दो एक्सपोनेंट थे पहले हमारे पास तो हमने एक एक्सपोनेंट बना दिया इस तरह से, तो ये रूट में इस तरह से आ गई वैल्यू। अब हमारे पास एक एक्सपोनेंट आ गया यानी कि अब हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है। अब देखें हमारा क्वेश्चन वैसे ही हो गया, ए की पावर एक्स इक्वल्स टू वाई, तो यानी कि एम की पावर 2/3 इक्वल्स टू 1। अब हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लेकर आते हैं, तो हमारे लॉगरिथमिक फॉर्म में लॉग हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है ए हमें पता है ए हमारा क्या है बेस है, बेस हमारी यहाँ नीचे क्या है एम है, तो यहाँ लॉग एम हमने ऐसे ही लिख दिया।
y है, y की वैल्यू हमें पता है क्या है, 1 है, y की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 ऐसे ही लिख दिया। इक्वल्स टू x हमें पता है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है अब 2/3, x की वैल्यू देखें हमारे पास क्या है 2/3, तो यहाँ 2/3 ऐसे ही आ गई। ठीक है, 2/3 भी हमारे पास वैल्यू आ गई, तो हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इसका आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब इसका नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।